आज उसी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2019 जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यूज कर रहा हूँ वर्ड एसेंडेंट, जेमिनी लग्न बोल रहा हूँ मैं, मिथुन लग्न बोल रहा हूँ। आप देखिए इसको, आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, सबसे पहली कुंडली होगी उस पर लिखा होगा लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली होगी, नवमांश होगा, त्रिशांश होगा, उसमें पहली सबसे पहली कुंडली में तीन लिखा होगा, इसका मतलब तीसरी राशि है जो आपका लग्न है, लग्न कुंडली तीसरी राशि, तो तीसरी राशि मिथुन राशि है, इसके लिए आपका मिथुन लग्न है। अगर ये इस तरह से है तो ही ये वीडियो आप देखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, आप टच कर पाएंगे उसको। देखिए, आपका ये महीना अच्छा ही है 101%, क्योंकि बुध की जो पोजिशन है वो बहुत अच्छी है। बुध आपके भाग्य में आया 15 मार्च से 11 अप्रैल तक आपके भाग्य में से भ्रमण करेगा, लग्नेश है आपका, और ये टाइम में ये आपको एक ना एक रिलीजियस ट्रैवलिंग देगा। 15 मार्च से 11 अप्रैल में एक रिलीजियस ट्रैवलिंग हो जाएगी आपके, आपको लक्की चांस मिलेगा, बच्चों की तरक्की आप देख पाएंगे, गुरु भी सुधरा है, लक्की चांस भी मिल जाएगा, और कुछ भी बच्चों का अच्छा न्यूज़ आप ले पाएंगे, कुछ नया लर्न करेंगे। और बाद में 11 अप्रैल से, 15 मार्च से मैंने 11 अप्रैल का बोला है, 10 अप्रैल तक का, 11 अप्रैल से 2 मई तक आपके कर्मस्थान में बुध जाएगा, 2 मई तक मतलब अप्रैल एंड तक तो है ही आपका, अप्रैल का ये वीडियो है अपना। कर्मस्थान में निजभंग राजयोग बन रहा है, शुक्र भी वहाँ चला जाएगा, बुध भी वहाँ चला जाएगा, शुक्र 16 अप्रैल को आ रहा है, तो निजभंग बनेगा आपके कर्मस्थान में, लॉर्ड ऑफ केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ जाएगा, वो भी शुक्र आपको राजयोग कारक बन ही जाएगा, और वो ऊपर से बुध को बल भी दे देगा, बुध ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब वो शुभ समय आपके लिए काम धंधे के लिए, अगर आप कुछ काम धंधे के लिए रिस्क लेना चाहते हैं तो 11 अप्रैल से 2 मई में आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और काम धंधे के लिए भी लाभदायक रहेगा। ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा, ये महीना एक अच्छा रिजल्ट लेके आपके सामने आएगा। अभी देखिए मंथ, ये इसको लग्न में आया हुआ राहु आपको मोनोपोली देगा, थोड़ा मैरिज लाइफ में प्रेशर है, देखिए शनि राहु का अपोजिशन ईजी नहीं है, आप भाग्य का स्वामी है केंद्र में, राहु केतु के साथ है, ये मैरिज लाइफ के लिए राजयोग बना हुआ है, लेकिन राहु केतु का जो अपोजिशन है ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में एक दबाव भी रखेगा, राजयोग तो देगा डेफिनेटली, ये दूसरा राजयोग बना हुआ है आपके लिए, और कर्मेश आपका सेवेंथ में आया है, मतलब पार्टनरशिप में अगर कुछ बिजनेस करने के चक्कर में है, प्लानिंग कर रहे हैं आप काम धंधे में किसी की, और काम धंधे के लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। लग्न का राहु मोनोपोली देता है इंसान को, वो काम करवाता है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते, वो जगह पे मिथुन का राहु आया है आपका, सेवेंथ हाउस में शनि आया है, मैरिज लाइफ एक बोर्डम जैसा हो जाएगा, जिम्मेदारी मैरिज लाइफ के साथ जुट जाएगी, और शनि का सेवेंथ हाउस में हाजिरी, प्रेजेंटेशन ऑफ सैटर्न बहुत माना नहीं जाता, ये फ्लावरी ग्रह नहीं है, ये अकेला रहने वाला है, संशोधन में पड़ा रहता है, ऐसा ग्रह है, इसकी सेवेंथ हाउस में अटेंडेंस अच्छी बात नहीं होती, और एक साल तक यही बोर्डम चलता रहेगा, राजयोग कारक ग्रह है वो, ये ध्यान में रखिए। सेवेंथ हाउस में गुरु आया है और वो लग्न को देख रहा है, कर्मेश काम धंधे में आपको लाभ देगा, वो ये बात भी बता रहे, पुष्टि कर रहे हैं, और ये गुरु थोड़े दिन के लिए आया है, देखिए 29 मार्च को ये गुरु एंटर हुआ है और 22 अप्रैल को गुरु ये राशि छोड़ के फिर से वृश्चिक राशि में चला जाएगा, 23 अप्रैल से ये 4 नवंबर तक बाद में वृश्चिक राशि में ही रहेगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए एक्सपेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे 23 अप्रैल से 4 नवंबर में, बड़ों के साथ विवाद में ना उतरो तो अच्छा है, खर्चा भी रहेगा, बड़ों से झगड़ा भी रहेगा, गुरु बड़े को रिप्रेजेंट करता है और बड़े आपके 6वें स्थान में आके बैठे हैं, बच्चा भी आपके 6वें स्थान में बैठा है, यानी कि आपकी विद्या, आपके बच्चे, ये सब आपके लिए एक्सपेंसिव साबित होंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च होगा, बूढ़े के घर में बड़े बूढ़े हैं उनके लिए खर्च होगा, उनकी हेल्थ के लिए, और आपको भी डायबिटीज़ और वजन बढ़ने वाली बीमारियों से केयरफुल रहना चाहिए। 23 अप्रैल से 4 नवंबर तक के टाइम में 6वां गुरु हो जाएगा, 6वां गुरु इंसान को फाइनेंशियल शॉर्टेज देता है, क्योंकि पैसा मतलब गुरु और 6वें स्थान में मतलब खर्च हो जाना, तो पैसे की शॉर्टेज आप अनुभव कर पाएंगे 23 अप्रैल से 4 नवंबर तक। गुरु की शक्ति बढ़ाते रहिए, गुरु के मंत्र करिए, गुरु मंदिर में जाइए, गुरु गुरु कृपा प्राप्त करें, आप किसी भी गुरु से जुड़ जाएं लाभदायक रहेगा।
बूथ का मैंने बताया कि रिलीजियस ट्रैवलिंग है आपके लिए 15 मार्च से 11 अप्रैल में और 11 अप्रैल से 2 मई तक में आपके काम धंधे के लिए अच्छा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुक्र का पोजीशन देखिए 16 अप्रैल को ये मीन राशि में जा रहा है, तब तक भाग्य में शुक्र अच्छा ही माना जाता है, कोई ना कोई फीमेल से भी आपको लाभ होगा, ट्रैवलिंग में भी देखिए लाभदायक होता है शुक्र बुध का जो ट्रैवलिंग का टाइम हैप्पीनेस रिलीजियस ट्रैवलिंग के साथ ये पिकनिक जैसा चीज़ भी शुक्र 9th में है तो शुक्र ऐसा पिकनिक जैसा चीज़ भी दे सकता है। 16 अप्रैल से बाद में कर्मस्थान में मददगार हो जाएगा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके आपके केंद्र में ऑलरेडी जो लग्नेश दशम में बुध आया है ये आपकी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आपके काम धंधे में आपकी 11 अप्रैल से 2 मई तक आपके काम धंधे में आपकी सत्ता बढ़ाएगा, आप जो काम कर रहे हैं उसमें सुविधा बना के देगा और ऑलरेडी कर्मस्थान में सूर्य है ये भी प्रतिष्ठा बढ़ा के रखा हुआ है आपकी। 14 अप्रैल से सूर्य आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट के स्थान में जा रहा है, 14 अप्रैल के बाद आप कुछ आपके मित्र का मित्र वर्ग से कुछ लाभ ले पाएंगे, कुछ पैसे हैं आपके पास वो आप शायद गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करने की चक्कर में पड़ जाओ, फिक्स डिपॉजिट्स में या इस तरह से इन्वेस्टमेंट स्थान में आया हुआ सूर्य है। अभी देखिए मंगल आपके 12वें स्थान में है, 12वें स्थान में मंगल है और वो षष्ठेश है, मतलब ये खर्चे का स्थान है मंगल, ये शायद पिकनिक में जाओ उसमें खर्च होंगे और ये बेडरूम का मंगल है, बेडरूम में भी झगड़ा झगड़ी करवाता है ये, तो ओवरऑल ये पिक्चर होगा आपका। मंगल पूरा महीना वही है आपके 12th हाउस में, भाइयों के लिए भी खर्च हो सकता है, भाइयों को डिनोमिनेट करता है मंगल, भाइयों के साथ व्यवहार में थोड़े केयरफुल रहिएगा, मंगल है 12वें स्थान में इसके लिए। ये एक ओवरऑल पिक्चर हुआ। अभी देखिए मैं आपको गुड डे और बैड डे रिमार्क करके बताता हूँ। देखिए चंद्र 6, 8, 12 आठवां स्थान और 12वां स्थान, मतलब वृश्चिक का चंद्र हो, मकर का चंद्र हो या वृषभ का चंद्र हो, आपको थोड़े केयरफुल रहना चाहिए। 9 अप्रैल से 10 अप्रैल वृषभ का चंद्र है, आपका 12वां चंद्र है, इतना ज़्यादा दिन इस चार्ट में वो इतना बैड डे में नहीं है तो वो थोड़ा मानसिक टेंशन देगा आपको। 21, 22 और 23 अप्रैल को वृश्चिक में है 6वें स्थान में, उसमें से 21, 22 चलेगा लेकिन 23 में ये थोड़ा टेंशनस दिन करेगा, मैं बैड डे किस तरह से होगा वो बताऊँगा आपको। और 26, 27, 28 ये मकर राशि में चंद्र है, उसमें से 28 का जो चंद्र है मानसिक परिताप में डालेगा आपको और किस तरह से नेगेटिविटी बरतेगा मैं थोड़ा आगे बोल रहा हूँ। अभी देखिए 23 मार्च से 2 अप्रैल तक आपके एरिस में मैं पॉजिटिव साइन देख रहा हूँ, कोई आपके दोस्तों के साथ का टाइम है ये, कुछ प्लान करेंगे आप, शायद पिकनिक में जाने के चक्कर में है या आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है, काम धंधे के लिए भी लाभदायक है पिकनिक के लिए, तो ये दोस्तों के साथ का ये टाइम है 23 मार्च से 2 अप्रैल में आप उसको प्लानिंग करेंगे और हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी कुछ प्लानिंग करें आप, क्योंकि ये 23 मार्च एंड ऑफ द लास्ट मार्च का एंड है तो इनकम टैक्स के उसमें भी आपका कुछ सेविंग करके उसमें वो चक्कर करना है तो उसमें भी आप आ जाएंगे, कुछ बहुत बड़े फिगर्स का मूवमेंट इधर से उधर आपको करेंगे आप, उसमें फ्रेंड्स के साथ का कुछ रिलेशंस भी आएगा और ये दिन आपके लिए अच्छा है। 23 मार्च से 2 अप्रैल तक अच्छा टाइम है, 3 अप्रैल से 7 अप्रैल मैंने बैड मार्क किया है, ये एक्सपेंसिव डे रहेगा, टेंशन रहेगा आपके हाथ में से आपको दिखाई देगा कुछ कंट्रोल जाता हुआ, काम धंधे में आपकी आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं आप, हो सकता है आप जो आप मैं आपको बोला रिलीजियस ट्रैवलिंग में जा रहे हैं उसका शायद पेमेंट आप 3 अप्रैल से 7 अप्रैल में कर दे और बाद में वो आपके लिए वो साबित होगा हैप्पी डेज। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, स्टडी करेंगे वेर आप कहाँ रॉन्ग हो गए, वेर यू आर रॉन्ग इन लास्ट 1 मंथ और 15 डेज और 20 डेज में, जो आप लास्ट महीने में कहाँ कहाँ गलत हुए उसके लिए सोचेंगे और फ्यूचर का किस तरह से काम करना है इसके बारे में आप नए स्टेप्स बनाएंगे अपने लिए। ये अपना खुद का एनालिटिक्स का दिन है आपके लिए, 8, 9, 10 और 11 चार दिन, 12, 13 और 14 ये दिन फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके हाथ में, 12, 13, 14 को पैसा आना चाहिए, आप बिजनेसमैन हैं तो आपके हाथ में पैसे आएंगे और फिर आप उसको लॉन्ग टर्म में वापस बिजनेस में चले जाएंगे, लेकिन ये हाथ में लिक्विडिटी आएगी 12, 13, 14 को, यू कैन एन्जॉय फूड फैमिली एंड फाइनेंस, 12, 13, 14 के दिन आप अपने परिवार के साथ बड़े आनंद में होंगे, हो सकता है 12, 13, 14 के दिन आपका पूरा परिवार कोई वजह से आपको मिले भी, आनंद का माहौल होगा 12, 13, 14 को। 15, 16, 17
ये भाई बहनों के साथ का टाइम है, यू विल फाइंड योर सेल्फ कुछ ना कुछ आप भाई बहनों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपके पड़ोसी के साथ का कुछ अंडरस्टैंडिंग है, 15, 16, 17 में आप वहाँ भी, ये दिन को भी मैंने गुडी मार्क किया है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का मामला है उसमें भी आप काम कर जाएंगे 15, 16, 17 में, क्योंकि आपका लग्न ही कम्युनिकेशन का लग्न है जेमिनी। यू विल गेट, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आता रहता है और उसका इंटरप्रिटेशन करके आप कोई ना नया रिस्क लेंगे और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 18, 19 और 20 अगेन यू विल बी हैप्पी एट होम, आप घर पे एक शांति का अनुभव कर पाएंगे 18, 19 और 20 में। 21 और 22 अप्रैल ये आपके बच्चों के लिए है, ये दो दिन 21 और 22 के दिन आप आपके बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड को स्टडी करेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्राई करेंगे, पॉजिटिव उसमें क्या चीज़ पॉजिटिव है, किस तरह से बच्चों के साथ शेयर करना है, ये बच्चों के साथ, या तो अगर आप शादी नहीं हुई है तो आप अनमैरिड है तो ये दिन, आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एजुकेशन के लिए अच्छा है, अनमैरिड है तो नई एक नई आइडिया भी इस दिन में जन्म लेगी, अनमैरिड है तो हो सकता है कि दिस डेज 21 और 22 ये कुछ लड़की या कोई स्त्री का जीवन में आना संभवित है इस दिनों में 21 और 22 अप्रैल को, ये दिन अच्छा साबित होगा। 23 और 24 देखिए अप्रैल, ये दिन मैंने पहले भी बताया आपको यहीं स्कॉर्पियो का, तो ये दिन अच्छा नहीं है, ये झगड़ा झगड़ी का दिन है। 23 और 24 अप्रैल को आप मार्क करके रखिएगा, इट विल बी वन ऑफ द बैड डे, ये खर्चे में आप दब जाएंगे, यू विल बी इन अंडर वेरी मच एक्सपेंसिव, आप अपने मामा या मौसी से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 23 और 24 अप्रैल में ले सकते हैं, कुछ खर्चे को आप प्लान नहीं कर पाएंगे, हो सकता है पैसा मांगना भी पड़े, 23 और 24 अप्रैल झगड़े से थोड़े दूर रहिएगा। 25, 26 और 27 ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, जैसा 21 और 22 बच्चों के लिए अच्छा था, जैसा 25, 26, 27 आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा साबित होगा। यू विल, आपको वाइफ के साथ का जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके स्पाउस के साथ का, वाइफ या हस्बैंड के साथ का, वो अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आप आपके स्पाउस को ठीक तरह से समझ पाएंगे, आप काम धंधे में चारों बाजू छा जाएंगे, ऑफिस में कोई काम धंधा आपका होगा तो 25, 26, 27 को आप आपका टारगेट सबसे पहले कंप्लीट कर देंगे और ईजिली आपका वर्किंग शेड्यूल आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका व्यापार का जो आप सोचते हैं वो 25, 26, 27 को आप शांति से और ईजिली कर पाएंगे। 28 और 29 अप्रैल मैंने यहाँ बताया था, 28 और 29 अप्रैल नेगेटिव डे है आपके लिए, हो सके तो देखिए ये दिन को भी आप टालिएगा, मैंने जो मार्क किया है बैड डेज में ये उसमें का है 28 और 29 अप्रैल, इट इज़ अ बैड डे, ये आपको मानसिक परिताप देगा, आपके हाथ से कुछ कंट्रोल जाता हुआ दिखाई देगा, आपको अपमानजनक सिचुएशन में आना पड़ेगा, हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार के तरफ से कुछ खुशियों का माहौल होगा लेकिन वहाँ भी ज़्यादा बात करने में मज़ा नहीं है। अष्टम स्थान में का इफेक्ट मैं देख रहा हूँ मकर का, तो अपने ससुराल के लोगों के साथ, स्पाउस के परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा माथापुटी में करने में मज़ा नहीं है। 28 और 29 तारीख को भी टालिएगा। 30 अप्रैल से 1 मई लकी दिन रहेगा, अगेन यू विल लर्न समथिंग, अपने बच्चों के साथ का जो आपने जो बीज बोया है 21 और 22 को उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आप 30 अप्रैल से 1 मई में देखेंगे भी, मतलब कुछ ना कुछ लाभदायक रहेगा पोजीशन ये बच्चों के साथ का। 30 अप्रैल से 1 मई में नई आइडिया भी जन्म लेगी। ओवरऑल देखिए तो आपको बैड डे में मैंने 3 अप्रैल से 7 अप्रैल बोला है, हो सके तो इस दिन को टालिएगा। और फिर दूसरा बैड डे मैंने यहाँ बताया है आपको, 23 अप्रैल से 24 अप्रैल को बैड डे बताया है और 28 अप्रैल से 29 अप्रैल को आपको बैड डे बताया है। अभी थोड़ा खगोल के बारे में बताता हूँ, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। देखिए कुंभ राशि में चंद्र शुक्र की युति हो रही है 2 अप्रैल को, इट विल बी ए लकी डे, ये ऐसा लकी दिन होगा आपके लिए, अच्छा दिन होगा बच्चों के लिए भी कुछ प्लान करने के लिए या नई आइडिया के लिए अच्छा होगा, और ये रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए या तो पिकनिक करने के लिए, चंद्र और शुक्र की युति आपके भाग्य में आई है, ये दोस्तों के साथ का ट्रैवलिंग है, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है उसमें, पिकनिक जैसा भी हो सकता है, इट विल बी ए गुड डे। अमावस्या है मीन राशि में आपके कर्मस्थान में, 5 अप्रैल को आपके काम धंधे के बारे में गलत डिसीजन लेने के पहले शांति से सोचिएगा, आप गलत नहीं होने चाहिए, कर्मस्थान में देखिए 5 तारीख को अमावस आई है, केयरफुली डिसीजन लीजिएगा। चंद्र मंगल की युति 12वें स्थान में हुई है 9 अप्रैल को, ये मैंने बोला ऐसा कुछ भी, ये भी एक टेंशनस डे है, चंद्र मंगल की युति हुई है, चंद्र आपका धनेश है 12वें स्थान में आया है, तो एक्सपेंसिव डे है 9 अप्रैल को।
अभी गुरु स्तंभी हो रहा है 10 अप्रैल को, जो भी गुरु का जो कार्यक्रम है आपको 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में, यानी कि सेवंथ हाउस में स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग है या काम धंधे में जो आप एडवांटेज लेना चाहते हैं 29 मार्च से 10 अप्रैल में ले सकते हैं। 10 अप्रैल के बाद सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु भी बाद में धीरे धीरे छवें स्थान में चला जाएगा। बुध और शुक्र की युति 17 अप्रैल को आपके कर्मस्थान में हो रही है। आपके कर्मस्थान के लिए सबसे अच्छा टाइम है 17 अप्रैल का, मैंने लिखा ये शुभ समय प्रतिष्ठा और कर्मस्थान के लिए, वही ये टाइम बता रहा है 17 अप्रैल का। आप अगर किसी से बड़े आदमी से मिलने जाना है, इंटरव्यू के मिलने जाना है, कुछ भी आपके कर्मस्थान में प्रगति करना चाहते हैं, 17 अप्रैल विल बी द बेस्ट डे। इसको नोट करके रखिएगा। पूर्णिमा मेष और तुला में है 19 अप्रैल को, फुल मून है मेष और तुला का, यानी कि आपके दोस्तों के स्थान का और आपके बच्चों के स्थान का। मैंने बताया ऐसा बच्चों के साथ का अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा टाइम रहेगा। काम धंधे के लिए ये प्रॉपर्टी फ्रेंड्स और आपके बच्चों के साथ का समय है अच्छा। 19 अप्रैल आपके बच्चों के लिए आप प्लानिंग कर पाएंगे अच्छी है। चंद्र गुरु की युति हो रही है 23 अप्रैल को वृश्चिक राशि में। चंद्र गुरु की युति 6वें स्थान में एक्सपेंसिव साबित होगी, ये गजकेसरी योग है, लेकिन ये खर्चाल साबित होगा, ये पैसा हाथ में आएगा और फिर वापस चला जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। 23 अप्रैल शनि चंद्र की युति आपके सप्तम स्थान में। कोई कैलकुलेटिव डिसीजन लेंगे आप मैरिज लाइफ से रिलेटेड, थोड़े केयरफुल रहिएगा, क्योंकि गुरु भी 6वें स्थान में चला गया है। मैरिज लाइफ कुछ ना कुछ झमेले से पास होगी। अभी तक अगर जेमिनी मैरिज लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं फेस कर रहा है तो ये अच्छी बात है। शनि के साथ देखिए केतु भी आ गया है और ये भाग्यश है आपका, कहीं ना कहीं से वाइफ का नसीब आपको साथ दे रहा है। लेकिन शनि चंद्र की युति 25 अप्रैल को वाइफ के साथ का या स्पाउस के साथ का, हस्बैंड के साथ का, कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव बात आपको पिक्चर दिखाई देगा। और शनि आपका स्तंभी हो रहा है 30 अप्रैल को, कभी कोई ग्रह वक्री होने के पहले स्तंभी होता है, वहीं रुक जाता है और बाद में फिर वक्री होना शुरू कर देता है। 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक ये सप्तम स्थान का शनि रेट्रो हो गया हो जाएगा। ये आपके लिए समझ लो कि लाभदायक है। ये जवाबदारी जो मैरिज लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला शनि है वो कमजोर हो रहा है, रेट्रो हो रहा है, जैसे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल में चैत्री नवरात्रि है। लक्ष्मी, ये जो चैत्री नवरात्रि है इसमें हम शुक्र जिसका वीक है उसके लिए बालिका पूजन करते हैं, कुमारी का पूजन करते हैं। छोटी छोटी 9-10 साल से छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको घर पे बुला के अपनी यथाशक्ति हम उसको तिलक लगाते हैं, उसकी पूजन करते हैं, ये हमारा रिवाज है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक में आपको चैत्री नवरात्रि है, तो उसमें आप अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान नहीं है, शुक्र नीच राशि का है, सूर्य किसे अस्त है, तो डेफिनेटली 6 अप्रैल से 14 अप्रैल में अगर छोटी छोटी बच्चियों को बुलाकर उसका कुमारी का पूजन करें तो उससे लाभ होगा आपको। 19 अप्रैल को हनुमान जयंती है, ध्यान में रखिएगा, हनुमान जयंती है और आपके मैरिज लाइफ में ऑलरेडी शनि है, शनि की नेगेटिविटी से बचना है। सुंदरकांड पढ़िए, 19 अप्रैल को संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं और हनुमान चालीसा तो रेगुलर अगर करते हैं तो अच्छा ही है। शनि आपके ऑलरेडी 7th हाउस में आया है, मैरिज लाइफ में कहीं भी आपको नेगेटिविटी लगती है शनि की, शनि आया ही है, अगर नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं आप, फील कर रहे हैं, तो ये शनि के उपाय आप 19 अप्रैल 2019 के दिन हनुमान जयंती के दिन करिएगा, लाभदायक होगा। ये लेखा जोखा है आपका ये महीने का, ओवरऑल पिक्चर अच्छा है महीने के लिए। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।